नमस्कार, विनीत जय हो, मैं आपका स्वागत है। हम आज पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड की एक ऐतिहासिक नगरी उरई में। 12वीं सदी के आरंभ में यह नगर महोबा के परिहार वंश के नरेशों के शासन में रहा। मामा माहिल ने भी इस नगर में राज किया था। कहा जाता है कि यहां का विख्यात माहिल तालाब उन्हीं ने 12वीं सदी के अंत में बनवाया था। काफ़ी समय प्रतिहार वंशी राजाओं ने भी यहाँ राज किया है। ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व रखने वाला यह उरई नगर जालौन जनपद का जिला मुख्यालय भी है। इस जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्रमशः काल्पी, उरई और माधोगढ़, जिन पर 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। किंतु मित्रों, वह साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2022 के चुनाव में यहाँ की अल्हड़ जनता का मूड क्या है। जय हो, मैं हूँ विनीत त्रिपाठी और आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन के उरई में हम लोग मौजूद हैं। एक ऐसी नगरी जो ऐतिहासिक है। इस पूरे जनपद में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2017 में उन सभी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन 5 साल गंगा में पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में अब इनकी मनस्थिति क्या है। आपका नाम क्या है? धीर सिंह। धीर सिंह, तो क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या समझ में आ रहा है, आप कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी? पार्टी तो सपा ठीक थी, क्योंकि पहले जो काम हुआ था उसी हिसाब से। इस साल में तो रोजगारी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तुम बताओ क्या स्थिति है, किन्हें वोट दे रहे? बीजेपी को वोट देंगे, सीधी सी बात। कारण बीजेपी पार्टी है जो राम मंदिर बनवाया, बढ़िया काम किया, इसलिए उसको ही वोट देना चाहते हैं। युवा हो, रोजगार, नौकरी, कछु मिलो? कुछ नहीं मिला उससे, फिर पर फिर भी दिल में 24 घंटे बीजेपी ही दौड़ती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सरकार है। हाँ। बड़ी अच्छी सरकार है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। तुम बताओ बीजेपी। कारण? उसका कारण है 370 धारा। एक तो राम मंदिर निर्माण जो काफी सालों से टला था, वो भी इन्होंने 70 साल कांग्रेस ने। नहीं तो विकास, रोजगार, तुम्हारे कुछ मुद्दा ही नहीं है? हमारे कुछ मुद्दा नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है रोजगार की, कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छे। तुम? मैया वाजपेयी। केवल वाजपा? तुम लोग? ये आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील जी, आपके राजनीतिक मुद्दे क्या है? वर्तमान में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? जितमन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं कि हमको सुविधा से ज्यादा ज्यादा सुविधा मिले। तो कौन सुविधा दे पा रहा है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? कौन से अच्छे काम आपको लगे उनके वर्तमान में? ये सारे काम उनके अच्छे ही हैं। जैसे कि ये राशन गरीबों को बंटवा रहे हैं जी, और सारे काम हैं बहुत सी। जी जी जी। कानून व्यवस्था आपके लिए कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था के लिए अच्छी पार्टी है ये। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका क्या सोच है, आपके चुनावी मुद्दे क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा है सपा को देना। सपा को वोट देंगे? कारण? कारण क्या है, इधर महंगाई बढ़ गई, देखो महंगाई कितनी है, बेरोजगारी है, कोई मतलब वो नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आधी आबादी भी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनके चुनावी मुद्दा क्या है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है, किस पे वोट देने वाली है? हम तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री राशन दे रहे, कॉलोनी दे रहे, कॉलोनी दे रहे, राशन दे रहे। हाँ। और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, और का है, काम कर रहे हैं हमारा। चलिए, इतनी बढ़ाए दे। हाँ, आप क्या कह रही? महंगाई मजबूरी बढ़ाए नहीं रहे, तो कायदे से सरकार जा रहे की चली जाए, बदल जाओ। चलिए, मजदूर को तो देखो। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अब हम पहुंच चुके हैं जालौन शहर में, कुछ युवा हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इनके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और किधर जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम पवन श्रीवास्तव है मेरा। अच्छा, तो आपके लिए राजनीतिक मुद्दे क्या हैं? राजनीतिक मुद्दे हैं, सबसे पहली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया वाकई में धरातल स्तर पर काम किया है, और समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों ने
कुछ भी काम नहीं किया। चार साल में सिर्फ जुल्मेबाजी, सिर्फ उल्टा कहना। वैक्सीन को लेके मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, ये वैक्सीन भारत की है। जब वैक्सीन आप लगवाएंगे तो कोविड जैसी महामारी, जो दुनिया में प्रथम महामारी आई है ऐसी कि जिससे सारे लोग परेशान हैं, उस जैसी महामारी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वैक्सीन को किया है कि डोज लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। और ये विपक्ष लोग कहते हैं ये मोदी वैक्सीन है। युवाओं के लिए रोजगार एक मुद्दा है, सरकार रोजगार में क्या कर रही है? अगर आपको ये सरकार पसंद है, सरकार में रोजगार कर रही है, करेगी, उत्पादन है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं भाजपा जनता पार्टी ने दी हैं, सब कुछ दिया है। अब रोजगार तो युवाओं के ऊपर है ना, उन्होंने किया कहा है, हर कंपनियां एक से एक उद्योग, एक से एक सब चीज़ कंपनी सर बोले यूपी इन्वेस्टर कंपनियों में 2 साल की जो है उसकी दशा बदलने वाली है। और पूर्ण विश्वास है कि 2022 में हम सब युवाओं 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और हम लोग घर घर जाकर भाजपा की जो उपलब्धियां हैं, जो लाभदायी योजनाएं हैं, सारी चीज़ें घर घर जाकर सभी आम जनमानस को बताएंगे और उनसे कहेंगे कृपया भारतीय जनता पार्टी के समक्ष वोट न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय एक बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो भैया ने बताया है कि जमीनी स्तर पर कार्य करती है, वो हकीकत है। हम लोग ये करके दिखा रहे हैं कि ये हकीकत है, जमीनी स्तर पर पार्टी कार्य कर रही है। आप लोग 15 दिन में एक रैली करते हैं और हम 15 दिन एक दिन में 15 रैलियां करते हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। रोज न रोज हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता सही, लेकिन रोज जालौन नगर की स्थिति जो है, हम लोगों को बताया जाता है कि आप यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे, यहाँ से फोटो डालेंगे, वहाँ से फोटो डालेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से। नहीं तो आप केवल प्रदेश स्तर तक, क्षेत्रीय स्तर तक, जिला स्तर तक मीडियाबाजी हो रही है या वास्तव में धरातल पर काम भी हो रहा है? सोशल मीडिया में जो दिखाया जाएगा, वीडियोग्राफी भी मांगते हैं, फोटो भी मांगते हैं, सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं। और जो लोग बाग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आम जनमानस है, उन लोगों से हम लोग जो हमारे योजनाएं होती हैं उन्हें बताते हैं और उनका लाभ भी दिलवाते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया पे, हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले तो है ही नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, सबसे पहले तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब जो 5 साल में हमने विकास देखा है, कभी इतना विकास नहीं हुआ है जो 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है। अयोध्या मंदिर निर्माण को लेकर जो विकास हुआ है, विपक्ष पार्टी जो कभी नहीं जाती थी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुमलेबाज पार्टी है, तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं नहीं, जो विपक्ष पार्टी कभी नहीं जाती थी, आज वहां जाके सेल्फियां ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आने से। जो कार हुआ है वो किसी पार्टी ने कार नहीं किया है। और लगातार चल रहे गौ सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर गांव में गौशाला उपलब्ध कराई है, गौशाला में पैसे दिए हैं लगातार। समाजवादी पार्टी कहती है किसान मरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गलत कह रही है। घर घर जाके देखो किसान के यहाँ अनाज हो रहा है, राशन मुफ्त दिया जा रहा है, हर व्यवस्थाएं की जा रही है। महीने में 2 बार राशन मुफ्त है। क्या महीने में 1 बार मुफ्त है और 1 बार जो उनकी जो जितना शुल्क लगता है उससे है। और अभी भी कभी भी आपको ना चना मिला है, ना तेल मिला होगा, नमक मिला होगा, जो भारतीय जनता पार्टी जो ये सब चीज़ दे रही है। और हर 15 दिन में फ्री राशन, उसके बाद लास्ट महीने में जितना आप शुल्क लगता है उतने ही शुल्क में राशन दिया जाता है। आप क्या कह रहे हैं? और रही किसानों की बात, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी चालू हो रहा है, तो इस पर डायरेक्ट अपना आदमी, किसान आदमी जाएगा, चढ़ेगा और अपना दिल्ली जहाँ आपको बेचना है वहाँ जाके बेचेगा। तो किसान कानून तो वापस हो गए, अब यहाँ से दिल्ली कैसे ले जाएगा? आप औरैया जाते हैं, इटावा जाते हैं, ठीक, जितना अपने उत्तर प्रदेश में है ना, नोएडा, गाजियाबाद है, ठीक, यहाँ तो यहाँ तक किसान जा सकता है। जालौन की मंडी में वही रेट 14 रुपए है, तो वो कहीं ना कहीं 18, 19, 20 रेट तो होगा ना नोएडा में, गाजियाबाद में, इटावा होगा। तो ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो दिया है, ये किसानों के हित के लिए और किसके लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो यही कहना चाहेंगे भाई, हमारी भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो कहते हैं ना कि हमने ये करके दिया था, उन्होंने शिलान्यास कर दिया, अरे काम की शुरुआत करने से कुछ नहीं होता है भाई, काम को पूरा करने से होता है ना। तो क्या आप ये मान रहे हैं शुरुआत सब उन्हीं ने की? अरे भाई शुरुआत वो तो अभी कहने लगे कि हम तो राम मंदिर भी हम ही ने बनवा दिया, तो क्या हो जाएगा उनके कहने से? हम अक्टूबर गोलियां चलवाई थी, सब लोग जानते हैं। 400 साल पहले हमारे जो आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं, 400 साल दोपहर में
और ठंडी में और बरसात में भीगते आए हैं और गर्मी में जलते आए हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा, मुद्दा बनाते रहे कि राम मंदिर बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या हम भाजपा वालों ने ही ठेका ले रखा है? क्या आप लोगों के अंदर हिंदुत्वता नहीं है जो आप लोग कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे? हमने कर दिखाया है, हमने तारीख भी बताई है और उसको बनवा के भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? लड़कों ने बोल दिया बस, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ये बता रहे हैं कि विधायक हमेशा उपलब्ध रहते हैं? हाँ, विधायक, हाँ ऐसा है, विधायक जी उपलब्ध रहते हैं और हर आदमी की एक एक बात सुनते हैं, जो भी आपको समस्या हो कहीं यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी। अच्छा ये बताइए, हाँ? आप किसानी में कुछ जानते हैं? किसान है, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसानी करता हूँ। जो आपने अभी बोला ये सरकार बोल रही है, विपक्ष पार्टी कुछ नहीं किया, नहीं मोदी ने ऐसा किया है। हम लोग परेशान होते थे गाय को लेकर, मुख्यमंत्री तो योगी है यार, मोदी का मैं मोदी की बता रहा हूँ। अच्छा। योगी तो नीचे है, उसके ऊपर हाँ। जो मैं परेशान होता था, रात को या दिन को कहीं जा नहीं पाता था, खेतों में रहता था। आज मैं ये सुनिश्चित करके आया हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे कोई हेडेक नहीं है। गौशाला दी है, इतना प्रबंध किया है उन्होंने अपनी फसल का, मैं खुद सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ बेचनी है। ये सब हो चुका है और आप बोल रहे हो जो कि ये 40 साल में अगली सरकार ने नहीं कर पाया, वो हमारी योगी सरकार ने 4 साल में। ये आप ही बोल रहे होंगे, मैं ही बोल रहा हूँ। जो 40 कुछ लोग बोलते हैं जो 40 साल में नहीं हो पाया, वो अब 4 साल में करके दिखाए। इससे आगे आप और क्या लेंगे? अभी 4.5 साल ही तो